इनके हाथों की भाग्य रेखा अद्भुत है। कई सदियों में ऐसी पुण्य आत्मा जन्म लेती है। इतिहास के पन्नों में इनका नाम सदा जीवित रहेगा। श्री राम, एक वचन एक बाण। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए। काफी समय पहले नीतीश तिवारी ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट की थी और अब जाकर उस फिल्म पर काम शुरू होने वाला है। मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी है और अगले एक दो महीने के अंदर फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। हम बात कर रहे हैं फिल्म रामायण की, जिसको 700 करोड़ के बजट के अंदर बनाया जा रहा है। इतने बड़े बजट के साथ ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म बन जाएगी। इस फिल्म के लिए लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म कहीं आदि पुरुष फिल्म की तरह फ्लॉप तो नहीं होगी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल अलग फिल्म होने वाली है, जिसमें रामायण को रामायण की तरह दिखाया जाएगा। उसमें कोई अजीब VFX का यूज नहीं किया जाएगा, ना ही कोई अजीब डायलॉग्स। लेकिन फिल्म का इतना बड़ा बजट है तो फिल्म में हमें काफी हद तक अच्छा VFX तो देखने को मिलेगा ही। उसी के साथ साथ मेकर्स की तरफ से फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले अपडेट आई है कि फिल्म में भगवान श्री राम का रोल रणबीर कपूर निभाने वाले हैं, ये पक्का हो गया। पहले तो रूमर्स आ रहे थे, और उनके साथ सीता माता के रोल में साई पल्लवी देखने को मिल रही है, ये भी पब्लिक हो गया है। क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि माता सीता के रोल में साई पल्लवी देखने को मिले। वहीं रावण के रोल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के CEO सुपरस्टार यानी कि यश को फाइनल किया गया है। जब सुपरस्टार यश रावण के रोल में देखने को मिलेंगे तो बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाएगी। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में अपडेट आई है कि मेकर्स हनुमान के रोल के लिए सनी देओल को फाइनल करने वाले हैं। वहीं कुंभकर्ण के रोल के लिए सनी देओल के भाई बॉबी देओल को। अगर ऐसा होता है तो वाकई में बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाएगी और फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा पैसा कमाएगी। बाकी कास्टिंग को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में फिल्म की बाकी कास्टिंग को लेकर हमें कुछ न कुछ खबर मिल जाएगी। और बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में ही बनाया जाने वाला है। इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेकर्स फिल्म की कास्टिंग पर काम कर रहे हैं और कास्टिंग फाइनल होते ही मार्च से पहले फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे कि हमने आपको बताया, इस फिल्म का बजट लगभग 700 करोड़ का है और इसमें VFX का भी यूज किया जाएगा, तो फिल्म की शूटिंग में काफी लंबा समय लगने वाला है। अगर मार्च के अंदर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है तो ये फिल्म हमें अगले साल 2025 के मिड या लास्ट तक जरूर देखने को मिल जाएगी। और अभी इस फिल्म के लिए हमें लगभग 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले समय में हमें फिल्म का कोई ऑफिशियल पोस्ट या कोई अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ फिल्म को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट्स भी आ जाएंगे। और क्या पता मेकर्स फिल्म के फाइनल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात तो पक्की है दोस्तों, ये फिल्म काफी बड़ी होगी और फिल्म की कास्टिंग काफी दमदार भी है। फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।